top 10 private B schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. योगी जी मुख्यमंत्री बन गए हैं यूपी के, आपका भी कुछ प्लान है क्या पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का? नहीं, देखिए योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से उन्हें भी इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं। और हमारा ये मानना है कि राजनीति व धर्म से प्रभावित होनी चाहिए, किंतु धर्म के अंदर राजनीति का समावेश नहीं होना चाहिए। जहां तक आपने मुझे व्यक्तिगत सवाल किया है, मेरी ऐसी कोई योजना नहीं है कि मैं राजनीति के अंदर प्रवेश करूं, किंतु हाँ मैं ये अवश्य चाहता हूं कि राजनीति भी से धर्म से अनुप्राणित रहे। लोग कहते हैं हमारा देश धर्म निरपेक्ष है, मेरा ये निवेदन है कि ये जाने अनजाने गलत शब्द का चयन हुआ है। अरे धर्म तो इस देश की आत्मा है, उससे हम निरपेक्ष कैसे हो सकते हैं? अगर इसको सही मायने में कहना चाहिए संप्रदाय निरपेक्ष, मजहब निरपेक्ष है ना। किसी एक संप्रदाय या मजहब को हमारा संविधान बढ़ावा नहीं देता है, वह सर्वधर्म सद्भाव की बात करता है। तो मैं ये अवश्य कहूंगा कि राजनीति धर्म से प्रभावित होनी चाहिए। और प्राचीन समय में भी राजा महाराजा सन्यासियों के पास जाया करते थे, मार्गदर्शन लिया करते थे, तो इसलिए हमेशा राजनीति धर्म से प्रभावित होनी चाहिए, किंतु राजनीति में धर्म का समावेश जो है, धर्म के अंदर राजनीति का समावेश नहीं होना चाहिए। आपने 20,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा की, उसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। देखिए पैदल पदयात्रा हमारी भारतीय संस्कृति में अनेक विभिन्न धर्मों के अंदर पदयात्रा एक सशक्त माध्यम रहा है जन संवाद का, लोगों से जुड़ने का।